69 रिपब्लिक डे पे आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। हम लोग प्राउड सिटीजन है, आपके पर विश्वास रखते हैं, हम लोग गर्व से भरे हैं और वही हाल जैसे भारत का है वैसे गेल का भी। आज मेरे को यहाँ इतने लोगों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, थैंक्स टू ऑल फॉर कमिंग हियर। और वास्तव में आपको 15 अगस्त और 26 जनवरी को इसी संख्या में उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र की बात है, ये देश की बात है और एक जनरेशन जो लगता है जो जाने वाली है, एक नई जनरेशन आने वाली है, तो वो जनरेशन को एहसास कैसे होगा? आपके जो बच्चे हैं, बच्चों को आजादी का एहसास कब होगा? जब तक आप ऐसे फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। रिपब्लिक इंडिया एक जब भारत देश बना था, इसके पीछे बड़े लोगों का बलिदान है, 200 साल लोगों ने इसके पीछे लड़ाई करी और तब जाके हमको ब्रिटिशर्स से आजादी मिली। बड़े बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, सभी लोगों ने इसमें बड़ा योगदान दिया। महात्मा गांधी ने इस चीज को लीड किया था। आप ही समझिए वो लीडर कैसे होंगे जो जिनके एक कॉल के ऊपर पूरी जनता आ जाती थी और जिन्होंने सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर इस देश को चलाया, देश को आ जाती थी। उसी तरह की लीडरशिप हम लोगों के अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आनी बहुत आवश्यक है ताकि ये संस्थाएं चलती रहें। अगर आप कंपनियों का इतिहास पढ़ेंगे तो कई कंपनियां जो आज से 100 साल पहले पैदा हुई थी वो आज खत्म हो गई। अगर हमको कंपनी को चलाना है अगले 100 साल तक, गेल को चलाना है 100 साल तक, क्योंकि ऐसा नहीं हमारे साथ ही ये खत्म हो रहा है, हमको वो 100 साल को सोचना पड़ेगा और उसका बीज आज ही रखना पड़ेगा। तो आज एक इसको हम बोलते हैं इसे रेनेसांस, इसे टाइम ऑफ रेनेसांस, जब एक युग बदल रहा है, एक युग बदल रहा है, जबकि काफी लोग, जैसा आपको बताया गया पहले, काफी लोग सुपर रेनोवेट होने वाले हैं, अगले 3-4 साल में नई जनरेशन आने वाली है, वो जनरेशन की वैल्यू सिस्टम क्या होगी ताकि हम इस चीज को आगे ले जा सकें। तो ये बहुत बड़ी बड़ी सोचने वाली बात है, हमारी फैमिली मेंबर्स, हमारे बच्चों, इन सबको सोचने वाली बात है। हम ये सोचें कि अपनी कंपनी को, और कंपनी बनेगी देश बढ़ेगा, देश को देखने के लिए बहुत लोग हैं, बट ये कंपनी की शुरुआत जैसे हमने 1984 में करी थी उसको आज तक हमारे सब लीडर्स लेके आए, वो बहुत उसको सोचना पड़ेगा और इस चीज को फ्यूचर लीडरशिप को लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आज के दिन याद करना चाहता हूँ उन लोगों को, हमारे जो पुराने चेयरमैन, पुराने डायरेक्टर्स थे, उन सभी के योगदान, पुराने जितने भी थे, जो भी लोग रिटायर हो गए हैं। और यहाँ पर मैं एक्नॉलेज देना चाहूँगा उन लोगों को जो कुछ इस महीने रिटायर हो रहे हैं, कुछ 2018 तक काफी लोग सुपर रेट हो रहे हैं, हम उनका जितना भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया उसको लेट अस एक्नॉलेज इट और हैव ए क्लैप फॉर देम जिन्होंने ये सब काम किया। हम हर साल 26 जनवरी मनाते हैं, सोचिए क्यों मनाते हैं? एक हमेशा एक बहुत अच्छा फ्रेंड होता है वाई। अगर आप अपने वाई को अपनी जिंदगी में लेके आएंगे आपको काफी आंसर मिल जाएंगे। तो अगर हम ये पूछे भाई 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, इसलिए ये रिपब्लिक हुआ था। ये रिपब्लिक का मीन क्या होता है? रिपब्लिक मीन्स व्हाट? लैटिन में इसे बोलते हैं रेस पब्लिका। रेस पब्लिका मीन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द कंट्री इज कॉल्ड पब्लिक, नॉट इज अ प्राइवेट कंसर्न और नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ रूलर्स। ये बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी देश के लिए, पटेल भारत जैसे देश के लिए जो कि लोकतांत्रिक देश है, ये पब्लिक के हाथों का देश है, ये हमारा देश है, ये हम सबका देश है। तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक छोटा सा योगदान अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए देना पड़ेगा। हमारे संविधान में जहाँ हमारे मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है, हम लोग अधिकतर अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं कि हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, हमारा ऐसा नहीं हुआ, हमारा वैसा नहीं हुआ। एक बार सोचे, फिर एक बार सोचे, हमने क्या दिया? हमने इस देश को क्या दिया? हमने इस कंपनी को क्या दिया? हमने अपने आप को क्या दिया? हम अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, पहले हम अपने आप को संभालें, फिर इस कंपनी को संभालें, फिर देश की चिंता करें। तो ये छोटे छोटे विषय हैं जो सोचने वाली बात है। आइए आज का दिन इस तरह का है कि सब जितने लोगों ने, जितने नेताओं ने इसके लिए योगदान दिया उनको याद करें और उनको नमन करें और जिसके माध्यम से भारत सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री बना। जहां तक गेल की बात है, गेल एक बहुत अच्छी कंपनी है, मेरा जो भी अनुभव रहा है, मैं इस कंपनी के साथ काफी समय से जुड़ा हूँ,
बहुत अच्छी कंपनी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के अफसरान बहुत अच्छे हैं, यहाँ के सभी कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, ये लोग बड़े एक डिवोशन से काम करते हैं। आवश्यकता है एक हैंड होल्डिंग, हमको एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पर एक कहानी याद आती है, बहुत पहले बेंगलोर में एक प्रतिस्पर्धा में कुछ बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया, जब वो लोग दौड़ रहे थे उस टाइम पर एक बच्ची जो है गिर गई, तो बाकी बच्चे उठ के आई और उसने उनका हाथ पकड़ा और वो सभी लोग एक साथ गोल पोस्ट में चले गए। तो जब गोल पोस्ट में गए जहाँ पर उनकी रेस फिनिश हो रही थी, तो वहाँ पर उनसे पूछा, भाई तुम ये जो गिर गई थी तो गिर गई थी, तुम आगे बढ़ जाती, तुम्हें क्या दिक्कत थी? उसने कहा, नहीं, वी ऑल वांटेड टू विन, देयरफॉर वी हैव हेल्प ईच अदर हैंड। तो वो बहुत बड़ी चीज होती है, ये सबसे बड़ी चीज है, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़े। यहाँ पर कोई भी आगे पीछे पूछती है, हम सब साथ चल रहे, दैट से कि फॉर एज फार एज गेम इज कंसर्न, गेम बहुत आगे बढ़ रहा है। हमारा ऑयल इंपोर्ट, दैट्स अ प्लेस, जो हमारी इकोनॉमी की बात है, अगर हम इकोनॉमी की चर्चा करें तो थोड़ा इसको छूना आवश्यक है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऑयल पर आधारित है। ऑयल की इंपोर्ट हमारी इकोनॉमी को घटाती बढ़ाती है, हमारी ग्रोथ को घटाती बढ़ाती है। और वहीं पर जैसे 2014 में 7 लाख करोड़ का हमारा ऑयल इंपोर्ट था, 3 लाख करोड़ का है, अभी प्राइस बढ़ा तो शायद बढ़ जाएगा। और यहीं पर गेल को फिशिंग करना है, गेल की गैस को फिशिंग करना है, गैस इकोनॉमी को अगर आपको बढ़ाना है तो गैस की खपत को बढ़ानी पड़ेगी, गैस की अफोर्डेबिलिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो जिस तरह से भारत अपने विकास लक्ष्य पर है, वैसे ही गेल भी अपने विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ सोचने की आवश्यकता है कि आप अपने आप को कैसे सक्षम रखें।